Hi everyone, Namaskar. In today's video, we are going to talk about INS Vikrant, which has been commissioned today by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Right? So, आज की वीडियो में हम INS विक्रांत के बारे में बात करेंगे, जिसको आज कमीशन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा. ठीक है, चलिए इसके कुछ कुछ फैक्ट्स और कुछ कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें समझने की, जानने की कोशिश करते हैं. तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 वॉज कमीशन्ड एज इंडियन नेवल शिप विक्रांत ऑन September 2, 2022. इंडिया की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, जिसकी कमीशनिंग हुई है INS विक्रांत के नाम से, और 2 सितंबर 2022 को. ठीक है, नाउ द कमीशनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची ऑन द मॉर्निंग ऑफ 2 सितंबर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी presided over the ceremony where he also unveiled new naval ensign or nishan, right? So ye bhi ek bahut badi khabar hai. It's a huge accomplishment that naval ensign or nishan has also been unveiled by PM Modi. Now India is now in select group of nations that are capable of designing and constructing aircraft carriers, all because of INS Vikrant. तो इंडिया अब उन कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में आ चुका है जो कि कैपेबल हैं कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के, ऑल बिकॉज ऑफ INS Vikrant. इट विल ऑल्सो बूस्ट आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट आर सेंटर्ड अराउंड, क्योंकि ये सेंटर करते हैं किस चीज़ के, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज. राइट, तो ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, एक बहुत अच्छी खबर है. नाउ वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो earlier known as Directorate of Naval Design is the in-house design organization of Indian Navy. ये एक in-house designing organization है जो कि Indian Navy के लिए construction, designing ये सारे काम करती है. ठीक है, INS विक्रांत को किसने construct किया है? INS विक्रांत is constructed by Cochin Shipyard Limited, which is a public sector shipyard, right? It's a public sector shipyard under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. तो INS विक्रांत को construct किया है Cochin Shipyard Limited ने, which is a public sector shipyard under Ministry of Ports, Shipping and Waterways. ये छोटे छोटे facts हैं, but these are very important. आपके किसी भी exam में, especially in state PCS examinations, छोटे छोटे facts काफ़ी important हो जाते हैं. Since ये बहुत important एक topic है, तो आप हर तरीके से हर facts को, पूरी background history, you need to remember and understand every aspect of this news. ठीक है, let's go into the detail of INS विक्रांत. So the name, motto and pennant number R11 of India's first aircraft carrier has been the inspiration of IAC-1 or INS विक्रांत. ठीक है, इंडिया का पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था R11, उसने इंस्पिरेशन दी है IAC-1 और INS विक्रांत 1 को, नेम और मोटो को लेने में. इट प्लेड अ वाइटल रोल इन 1971 वॉर and it was decommissioned in 1997 after 35 years of service. ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा खासा रोल था, वाइटल रोल था 1971 वॉर में, और इसको डीकमीशन कर दिया गया था 1997 में, 35 साल के सर्विस के बाद.
विक्रांत के बारे में समझते हैं, ये टर्म क्या है, व्हाट डज द टर्म विक्रांत मीन्स. सो विक्रांत इज अ संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसको कि विच सिग्निफाइज करेजियस, राइट. सो विक्रांत इज अ संस्कृत टर्म विच सिग्निफाइज करेजियस. द मोटो, INS का जो मोटो है, ठीक है, जयम सम युद्धिस्प्रद, जयम सम युद्धिस्प्रद, ये ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका मतलब है वी कॉन्कर दोज हु फाइट अस, राइट. तो हम उनके सामने, जो हमसे लड़ने आते हैं, हम उनके सामने करेजियस हैं, हम उनके सामने बहादुरी से उनसे लड़ते हैं, राइट. इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC. अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसको सैंक्शनिंग कब मिली थी, इसके ट्रायल्स कब शुरू हुए, इसकी कील कब पहली बार जो है ले की गई थी, इसका जो मेन फाउंडेशन था वो कब ले किया गया था. थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC वॉज सैंक्शनड, फॉर्मली सैंक्शनड बाई द गवर्नमेंट इन जनवरी ऑफ 2003, ठीक है. द कील ऑफ द शिप, कील ऑफ द शिप वॉज लेड इन फेब्रवरी ऑफ 2009. कील क्या होती है, जो नाव के सबसे नीचे, शिप के सबसे नीचे एक मेटल का वो लगाया जाता है ताकि शिप सिंक ना हो या साइडवेज, इट डजंट यू नो मतलब इट डजंट फॉल्स साइडवेज. तो कील इसकी जो है वो लेड की गई थी फेब्रवरी 2009 में, एंड द शिप वॉज लॉन्च्ड ऑन 12th August 2013, राइट. इट अंडरवेंट बेसिन ट्रायल्स, जो इनके शुरू हुए हैं वो आपके हुए हैं नवंबर 2020 में, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सी ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हुए थे आपके 4th August 2021 से अभी 10th July 2022 तक. इट अंडरवेंट सी ट्रायल्स, राइट. तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने फाउंडेशन ले किया था, जो गवर्नमेंट ने फॉर्मली सैंक्शन किया था, दैट वॉज बैक इन जनवरी ऑफ 2003. द कील ऑफ द शिप वॉज लेड डाउन इन फेब्रवरी 2009 एंड द शिप वॉज लॉन्च्ड ऑन 12th August 2013, राइट. बेसिन ट्रायल्स जो इसके शुरू हुए हैं वो नवंबर 2020 में स्टार्ट हुए हैं, एंड इट अंडरवेंट सी ट्रायल्स फ्रॉम 4th August 2021 टिल 10th July 2022, एंड इट वॉज फाइनली हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी ऑन 28th July 2022. सो द शिप वॉज डिलीवर्ड टू द नेवी ऑन 28th July 2022. वेरी फैक्चुअल, सी आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी स्मॉल फैक्ट्स, राइट. इस PPT में, इस वीडियो में यू विल बी गेटिंग वेरी स्मॉल फैक्ट्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट PM मोदी हैज टू से. सो इन हिज एड्रेस PM मोदी सेड, टुडे INS विक्रांत हैज फिल्ड द कंट्री विद अ न्यू कॉन्फिडेंस. It's a symbol of India's hard work, ingenuity, influence and commitment. It's a system of indigenous strength, research and skill, right? He also added, he also mentioned that women officers will also be posted on INS Vikrant, underlining their increasing role in armed forces, right. So also all the branches of Navy are now inducting women officers, theek hai. We also have another great news, another big important news, which is naval ensign or nishan, which has been unveiled today by PM Modi in the same commissioning event, right. सो पहले ये समझते हैं कि नेवल इंसाइन या निशान का मतलब क्या है. नेवल इंसाइन इज अ फ्लैग दैट नेवल शिप्स और फॉर्मेशंस कैरी टू डिनोट देयर नेशनैलिटी. जब भी कोई शिप
जब भी कोई शिप जो है वो निकलती है, जब भी वो ऑफशोर जाती है, सो इट हैज़ टू कैरी देयर यू नो अ फ्लैग विच डिनोट्स देयर नेशनैलिटी. सो डूइंग अवे विद द कॉलोनियल पास्ट एंड बी फिटिंग द रिच इंडियन मैरिटाइम हेरिटेज. तो कॉलोनियल पास्ट को हटा रहे, वी आर डूइंग अवे विद दैट एंड वी आर बी फिटिंग द इंडियन हेरिटेज, इंडियन मैरिटाइम हेरिटेज. दिस इज वॉट हैज़ बीन स्टेटेड बाई द गवर्नमेंट अर्लियर. एंड when the government stated, that when the erstwhile St. George cross in the ensign has been removed. Ab we'll also see the evolution. Pre-independence time se jo naval ensign ka evolution raha hai, hum usko bhi samjhenge, kaise kaise flags change hue hain, evolve hue hain, we'll also try and understand that. So this is the recent, this has been the recent which has been adopted on 2nd September 2022. This is the recent ensign or nishan, ठीक है, जिसको adopt किया गया है 2nd September 2022. So what it now features, national emblem. If you can see here, this is the national emblem, right? National emblem with tricolor on the upper canton. So this is the upper canton. ये upper left corner जो है वहां पे Indian tricolor है, right? And this emblem is sitting on the anchor of the navy. तो ये कहाँ बैठ रहा है? द नेशनल एम्बलम इज एनकम्पास बाय एन ऑक्टागोनल शील्ड है और ये एंकर है जो कि नेवी का साइन है बेसिकली. सो दिस इज अ ऑक्टागोनल, ये एट साइड का एक ऑक्टागोनल है जिसको कि जिसके अंदर आपका ये है. एंड दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी विच इज शम नो वरुणा, ठीक है, विच मीन्स कि मे गॉड वरुण बी ऑस्पिशियस, मे गॉड वरुण बी ऑस्पिशियस फॉर अस हर तरीके से, ठीक है. सो दिस इज द मोटो ऑफ योर इंडियन नेवी जो कि यहाँ आपके एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है. Now let's try to see कि पहले जो evolution हुआ है, पहले जो flags थे वो कैसे थे और कैसे कैसे evolve हुआ है. तो इसके पहले जो था, the previous Indian naval ensign consisted of a St. George cross and a red, which is a red cross with a white background. If you can see here, it's a red cross on a white background which has इंडियन ट्राइकलर ऑन द लेफ्ट कैंटन, ठीक है. ये एक लाल क्रॉस है वाइट बैकग्राउंड पे और इसके लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर पे इंडियन ट्राइकलर है, ठीक है. इन वन कॉर्नर ऑफ द क्रॉस द फ्लैग ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस. सो दिस हैज बीन द फ्लैग सिंस 1947 इंडिपेंडेंस के टाइम से. इसके पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा में, सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, ये है आपका प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम से, जब से इंडिपेंडेंस हमें मिली है उसके बाद से वी हैव अवर इंडियन ट्राइकलर. प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी सेंट जॉर्ज का रेड क्रॉस था वाइट बैकग्राउंड पे, बट इंस्टेड ऑफ इंडियन ट्राइकलर वी हैड यूनियन जैक ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है. Now next, Indian naval ensign has undergone multiple changes since independence, right? It was only in 2001 that St. George cross was taken out and Indian Navy's crest was added.
सो दिस इज दी थर्ड इवोल्यूशन के अगर हम उसमें जाएंगे टाइम लाइन में. सो दिस वॉज दी थर्ड फ्लैग विच वॉज अडोप्टेड. यहाँ पे इफ यू कैन सी द रेड क्रॉस हैज बीन रिमूव्ड एंड इंडियन नेवी का जो आपके क्रेस्ट है दैट वॉज एडेड. सो दिस इज द क्रेस्ट ऑफ इंडियन नेवी विच अगेन हैज एम्बलम, नेशनल एम्बलम एंड एंकर. The emblem is encompassed on the anchor, right? तो ये इंडियन नेवी का क्रेस्ट आपके थर्ड फ्लैग में इवोल्यूशन में जो है फ्लैग इवोल्यूशन के थर्ड फ्लैग में आपका इंडियन नेवी का यू कैन सी द क्रेस्ट. द रेड फ्लैग द रेड क्रॉस हैज बीन रिमूव्ड. अगेन ये दिस हैपेंड इन द ईयर ऑफ 2001. इट ओनली स्टेड फॉर 3 years एंड इन 2004 अगेन रेड क्रॉस वॉज अडॉप्टेड अलोंग विद एम्बलम ऑन द रेड क्रॉस. एम्बलम ऑन द इंटरसेक्शन. सो क्रॉस के इंटरसेक्शन पे इफ यू कैन सी दिस इज द एम्बलम, नेशनल एम्बलम, राइट. सो ये बिल्कुल इंटरसेक्शन पे यू कैन सी द नेशनल एम्बलम. सो नेशनल एम्बलम ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस. The cross was put back again in 2004, we already saw, with the addition of emblem of India at the intersection of the cross, right? The gold, now this is the current one. So this has been the current one. This is the current one which has been adopted on 22nd September 2022. I have zoomed in the image of the crest so that we can see the golden border surrounding the national emblem. This is the octagonal golden border. Ye octagonal shape and this is the golden border which draws inspiration from the seal of Indian Emperor Chhatrapati Shivaji Maharaj and depicts steadfastness, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन कि किससे इंस्पायर्ड है ये जो है जो गोल्डन बॉर्डर है सील का. तो ये इंस्पायर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज एंड डिपिक्ट स्टेडफास्टनेस, राइट. ऑक्टागोनल शेप ऑफ द नेशनल एम्बलम हैज बीन डिजाइंड टू रिप्रेजेंट 8 directions. Eight direction symbolizing the multi-directional reach and multi-dimensional operational capability of the Indian Navy. So why this octagonal octagonal shape has been adopted? I'm sorry, because it represent 8 directions. It represent 8 directions. Symbolizing multi-directional reach, right? Multi-directional reach and multi-operational capability of the Indian Navy, right? If you can see, यहाँ थोड़ा zoomed in image है. So this is the emblem, national emblem. This is the anchor, and this is the motto, which we discussed in the last slide. Sham no Varuna, right? So thank you and I hope this video is of some use to you, right? So I'll see you in the next video. Thank you and namaskar.